नमस्कार दोस्तों तो मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनिशी डिटेल में तो, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं गूगल माए बिजनेस रैंकिंग के बारे में जैसे कि काफी लोग मुझे बोलते हैं सर हमें गूगल मैप के ऊपर रैंकिंग करवानी है ऐसे केसेस में होता क्या है कि गूगल मैप पर रैंकिंग करवाने के चक्कर में काफ़ी लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं उस वजह से क्या होता है उनकी लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो जाती है तो क्या तरीका है क्या गलत डायरेक्शन है क्या राइट डायरेक्शन है इसके बारे में हम यह बात करेंगे अगर आप अपनी गूगल माए बिजनेस रैंकिंग करवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको एलोग्रिस्म को समझना पड़ेगा हम लोग कैसे काम करते हैं क्योंकि हम भी यहाँ पर रैंकिंग करवाते हैं अगर आपको रैंकिंग

टॉप पे आने के लिए नहीं करें हम यहाँ रैंकिंग करवाने के लिए बाकी काम ना करें नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है अगर आप आपने गूगल मैप की लिस्टिंग को रैंक करवाना चाहते हैं तो उसका भी फंडा है उसको समझिएगा पूरा कि जब गूगल मैप के ऊपर नया नया बनाते हैं तो कुछ क्वान्टिटी में ही लोगों को दिखाता है जैसे मान लीजिए आपने अपना गूगल मैप दिखाया तो पांच सौ लोगों को दिखा रहा है मगर आप ये देखिए कि जो लोग पुराने हैं जिनका एक साल हो गए एक महीना हो गए जिसने अभी अभी लिस्टिंग बनाई है उनके भी लाखों में व्यूज आते हैं ऐसे भी मेरे पास लोग हैं जिनके मैंने देखे दस दस पंद्रह पंद्रह हजार अस्सी यार है ना उनके व्यूज और इंप्रेशंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं उन्होंने अपनी लिस्टिंग को मैनेज किया है मैनेज कैसे किया है उन्होंने तीन तरह से अपने लिस्टिंग को मैनेज किया पहली बात जेन्युइन ट्रैफिक दूसरी बात पेड ट्रैफिक और तीसरी बात उन्होंने एसईओ करवाया है ठीक है अब जेनविन ट्रैफिक में वो लोग क्या करते हैं अपने लिस्ट में प्रॉपर तरीके से पोस्ट डालते हैं फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं प्रॉपर तरीके से सर्विस ऐड करते हैं कैटेगरीज वगैरह प्रॉपर तरीके से मेंशन रखते हैं अपनी लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट रखते हैं साथ ही कुछ ना कुछ पोस्ट या नया नया अपडेट वो डालते रहते हैं है मंथली साथ ही लोगों से रिव्यू करवाते हैं उस रिव्यूज की भी गूगल के गाइडलाइन के हिसाब से जैसे वो पर्टिकुलर जैसे किसी बंदे ने कहा मेरा पैका समय उसका बिजनेस है तो उसने सामने वाले बंदे से जो रिव्यू करवाया वो भी ऐसा करवाया पैका मूवर्स इन इंदौर पैका मूवर्स इन दिल्ली इस तरीके से रिव्यू करवाया ठीक है तो जो भी रिव्यूज रिव्यू कराया वो कीवर्ड से कराया तो गूगल के सर्च इंजन में जाओ सर्च करेंगे पैकस मूव इंदौर तो गूगल चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर नाम आपके नाम में है क्या नहीं है तो वो आपके रिव्यू में जाएगा नहीं है तो फिर वो आपकी वेबसाइट में जाएगा तो एक बंदा अपने प्रोफेशनल चीज को मैनेज करने के लिए वो अपनी वेबसाइट भी बनाता है वेबसाइट भी प्रॉपर तरीके से बनाता है कि गूगल का सर्च इंजन जब सर्च करें तो गूगल मैप में जाने के बाद भी उसकी वेबसाइट पर जाकर भी वो कीवर्ड ढूंढ ले तो रिव्यू की वेबसाइट उसका नाम उसकी कैटेगरी ये सब चीजों में अगर कीवर्ड अवेलेबल रहते हैं तो गूगल के लिस्टिंग धीरे धीरे आपके लिस्टिंग ऊपर आ जाती है यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचने लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन हो जाएगा उसमें और हो सकता है कि वो समय के साथ में आपकी लिस्टिंग टॉप टेन के अंदर भी लोगों को रिकमेंड करे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आए ठीक है थीके? वो ऐसी लिस्टिंग के अंदर आ जाती है जो क्वालिटी लिस्टिंग होती है यानी गूगल आप ट्रस्ट करेगा और वो सोच लेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल काम कर रहा है तो ज्यादा लोगों को हाईलाइट करना है तो कई की वर्ड आपकी लिस्टिंग को हाईलाइट भी करेगा तो ये है पूरा फंडा यानी वो लोग जो टॉप पे दिख रहे हैं जिनका ज्यादा रिकमेंडेशन हो रहा है ऐसा नहीं है कि जो आपने पैका समूह सर्च करा तो जो लोग अलग दिख रहे हैं वो अलग दिखेंगे टॉप टेन में और मूवर सर्विस में अलग दिखेंगे होम रिलोकेशन में अलग दिखेंगे मगर इन्होंने अपना काम करने के लिए बहुत मेहनत करी होगी ठीक है अब दूसरी बात ये तो हो गया बेसिक तरीका जिसमें हम आपको गाइड भी करते हैं और हम आपके इस, इस चीज को लेकर आपकी लिस्टिंग को इंप्रूव करवाते हैं जेनुइन तरीके से ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे अब दूसरा तरीका दूसरे तरीके में लोग क्या करते हैं अपनी लिस्टिंग को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं तो हम यहाँ पे गूगल पे, पे पेड मार्केटिंग जिसको बोलते हैं जीएम बी एड्स यानी गूगल माई बिजनेस के एड्स जो होते हैं वो भी रन करवा के देते हैं इस गूगल माई बिजनेस के एड्स चलाने से आपको दो बेनिफिट मिलते हैं पहली बात एक तो सीधा ट्राफिक आपके पास में आ रहा है तो लोग आपको कॉल कर रहे हैं आपके पास काम भी आ रहा है मान लीजिए इसमें काम आए या ना आए क्योंकि लोग क्लिक मारेंगे तो क्लिक के से कटेंगे अब चाहे कॉल करे चाहे ना करे बट लिस्टिंग क्लिक होने की वजह से लिस्टिंग की इंप्रूवमेंट काफी अच्छी होती है काफी ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफ़िक आता है और इंप्रेशन काफी ज्यादा आते हैं काफी ज्यादा रिकमेंड करती है इस वजह से वो आपकी लिस्टिंग नए नए कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज़ हो जाती है गूगल खुद से भी कीवर्ड आपके डैशबोर्ड में सेट कर लेता है ठीक है तो पेड मार्केटिंग अग भले ही आपको पैसा ज्यादा खर्च ना करना हो पर कुछ कुछ टाइम के लिए करवाते रहना चाहिए जिससे कि क्या होता है कि उसके ऊपर ट्रैफिक आता जाता है और आपकी लिस्टिंग प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज मैनेज हो जाती है तीसरा तरीका जो हम फॉलो करते हैं वो है पेड प्रमोशन यानी मान लीजिए एस का अब यहां पर होता क्या है लोकल एस जो है वो हम करते हैं इसके नोकल एस सी में हम काफी सारी गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से गूगल लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं ऑप्टिमाइज करने से आपकी लिस्टिंग है उसमें इंप्रूवमेंट उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है उसमें इंप्रूवमेंट आती है और उसके ऊपर काम आता है तो ऐसे कैसे तीन तरीके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लिस्टिंग को ग्रो करने के लिए वो एक डाउट है सबसे बड़ा कि हमारी लिस्टिंग अगर सस्पेंड हो जाती है तो क्या रिकवर होगी जी हाँ दोस्तों तो आपकी लिस्टिंग 100 परसेंट रिकवर हो जाएगी केवल गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करना है और मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि क्या क्या गूगल की गाइडलाइन है जो कुछ तो लिखी हुई है कुछ नहीं लिखी हुई है जिसको फॉलो करने के बाद में आपकी लिस्टिंग सभी सस्पेंड नहीं होगी अगर होती भी है तो हंड्रेड लाइव हो जाएगी दोस्तों तो वीडियो पसंद है लाइक करना ना, ना बोले साथ ही अगर आप ऐसी हो या गूगल मैप जैसे रैंकिंग करवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों